विवेकानंद यह न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है, एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान है। युवा ये परिस्थिति का नाम नहीं है दोस्तों, युवा ये मनस्थिति का नाम है। जो बीते हुए कल में खोया रहता है उसे युवा नहीं मान सकते, लेकिन जो बीती हुई बातों की जो श्रेष्ठ है उसको लेकर के आने वाले कल के लिए सोचता है, सीखता है, समझता है, वो युवा है। ये हमारी भारत माता सुजलाम सुफलाम भारत माता, हम सफाई करें या न करें, गंदा करने का हक हमें नहीं। गंगा के प्रति श्रद्धा हो, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हो, हर नौजवान के मन में रहता है कि मेरे माँ बाप को एक बार गंगा स्नान कराऊं, लेकिन क्या उस गंगा को गंदा करने से हम अपने आप को रोक पाते हैं क्या? क्या आज विवेकानंद जी होते तो हमें इस बातों को डांटते कि नहीं डांटते? स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को याद कर रहा हूं, तब वो इनोवेशन के पक्षकार थे, अनुसंधान के पक्षकार थे, वो घिसी पीटी टूटी फूटी चीजों का बहिष्कार करने के लिए आह्वान करते थे। कितनी महान क्यों ना हो, कितनी अच्छी क्यों ना लगती हो, लेकिन अगर काल बाह्य है तो छोड़ने के लिए वो आह्वान करते थे। समाज जीवन भी तभी प्रगति कर सकता है कि जब नित्य नूतन हो, नित्य नूतन प्राणवान हो, तभी जाकर क्या होता है। और इसलिए हमारे देश की युवा पीढ़ी, उसमें वो साहस चाहिए, वो जज्बा चाहिए जिसमें इनोवेशन का इरादा रहे। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में नदी में समंदर में कुदरे की का लोहा लेकर के चलता है, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। आज भारत सरकार अभियान चला रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा से बिना बैंक गारंटी पैसा मिलता है। मैं चाहूंगा मेरा देश का नौजवान मेरे देश की समस्याओं का समाधान के लिए नए इनोवेशन के नई प्रोडक्ट लेकर के आए और लोगों के पास जाए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे देश के नौजवानों के बुद्धि और सामर्थ्य का इंतजार कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर के चले हुए हम लोग, प्रकृति में भी परमात्मा देखने वाले हम लोग, पौधे में भी परमेश्वर देखने वाले हम लोग, नदी को भी मां मानने वाले लोग, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाले लोग, संकटों से घिरे हुए मानव जात को, संकटों से घिरे हुए विश्व को, हम तब कुछ दे पाएंगे जब अपनी बातों पर हम गर्व करें और समयानुकूल परिवर्तन करें। चलो।